पूरा परिवार इतना खुश है, मेरे पापा को लोग इतना सम्मान देते हैं, और मेरा गांव भी बहुत गौरवान्वित है मुझे लेकर के। और इसका मैं पूरा श्रेय अपने जितेंद्र सर और बायोमेट्रिक्स क्लासेस टीम को ही देना चाहूँगा अपने माता पिता के साथ। मेरी सफलता का श्रेय बायोमेट्रिक्स को ही जाता है और वहाँ के सभी टीचर्स इस पर। नमस्कार, मैं शिवम राय, बायोमेट्रिक क्लासेस ऑनलाइन का एक स्टूडेंट और सर का कमांडो। मैं बायोमेट्रिक क्लासेस ऑनलाइन को क्लास 9 से ही जानता था। इसका श्रेय मेरी दीदी को जाता है जो बीएससी की प्रिपरेशन के लिए सर के लेक्चर्स देखा करते थे, लेकिन मुझे सर के मुंह से हेलो कमांडो सुना इतना अच्छा लगता था, और फिर मैं सोचता था कि शायद मैं भी बायोमेट्रिक ज्वाइन करूँ, और इसी को लेकर मैंने नीट का सपना देखा। बायोमेट्रिक क्लासेस ऑनलाइन को ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद फिर मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट हुई क्लास 11 से। फिर मैंने सर का सब्सक्रिप्शन लिया, जो पहले काम किया वो मैंने सब्सक्रिप्शन का लिया ताकि मैं एक प्रतिबद्ध हो के और मैं एक डेली शेड्यूल को फॉलो कर सकूँ। उसके बाद फिर से मेरे लेक्चर स्टार्ट हो गए। फिर बीच बीच में कभी मोरल डाउन होता था, और ऐसा आप लोगों के साथ भी जरूर होगा। इतना टफ ये शेड्यूल है कि फिर ट्रेनिंग शेड्यूल की इससे बाहर निकलेंगे आप, अगर सही से बाहर निकल गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस ये है कि आपको एक प्रतिबद्ध कमांडो की तरह इस शेड्यूल को फॉलो करना होता था। मैंने भी फॉलो किया, हालांकि बैकलॉग भी क्रिएट होते थे इसमें, लेकिन फिर भी बैकलॉग होने के बावजूद में मैं हर टेस्ट को अटेंड करता था, भले ही मेरा स्कोर कितना भी मतलब लो गया हो। और मुझे याद है मेरा स्कोर, मैं कभी कभी तो टॉप 100 से भी बाहर हो जाया करता था। मुझे याद है कि मैं लगभग बायोमेट्रिक्स में मैंने 60 टेस्ट दिए, और उन 60 में से केवल 2 टेस्ट ही ऐसे गए जिनमें मैं टॉप 10 के अंदर स्कोर रैंक अचीव कर पाया, जो कि मतलब जब टॉप 10 में आता था तो बहुत अच्छा भी लगता था वैसे, लेकिन ये टेस्ट ही थे जिनकी वजह से मैं 2 साल तक लगातार मेहनत कर पाया, और उसी मेहनत का परिणाम है कि मैं आज अपने सर को ये वीडियो बना करके भेज पा रहा हूँ और ये आप लोगों तक पहुँच पा रहा है। मेरी सफलता का श्रेय बायोमेट्रिक्स को ही जाता है और वहाँ के सभी टीचर्स, स्पेशली जितेंद्र सर, संजय सर, चिन्मय सर, शिवम सर, जावेद सर, अमर सर, मतलब ये सारे टीचर्स, और सैल मैडम, ये सारे टीचर्स जितने भी थे सब ने अपना रोल बहुत ही बखूबी निभाया, और इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। साथ ही हम लोग भारती मैम भी थी, जो सर के साथ हम लोगों को मतलब कभी कभी उनकी बातें सुनते थे तो हमें मोटिवेशन मिलता था, और ऐसे लोगों का साथ ही रहा कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए आज। और आशा करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ तक जरूर आएंगे और अपने वीडियोज़ ऐसे ही सर को भी बना करके भेजेंगे। हालाँकि मैं शुरू से ही इतना प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं था, मेरे क्लास 10th में 43% आए थे, जिसको देखने के बाद मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, बिना 10th पर फोकस की। फिर मैंने 11th अच्छे से पढ़ा पूरी जान लगा करके, हालांकि फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर लगातार मेहनत करते करते फिजिक्स लास्ट तक मैं टैकल कर पाया। उसके बाद फिर अमर सर थे, उसके बाद फिर मतलब बहुत सारे टीचर्स लोग। फिर क्लास 12th की शुरुआत हुई, क्लास 12th से तो मतलब जैसे सब कुछ इजी हो गया, क्योंकि 11th खत्म होने होने तक मैंने फिजिक्स को भी टैकल करना सीख लिया था और अब सब कुछ आसान हो रहा था। लेकिन क्लास 12th के साथ ही मैं 12th के लेक्चर्स देखता था और 11th के मैं लेक्चर्स को दोबारा नहीं देखता था, मैंने बस उन लेक्चर्स के नोट्स को पढ़ लेता था ताकि मेरा 11th भी साथ साथ रिवाइज होता है और टेस्ट में मेरा स्कोर ना गिरे, क्योंकि टेस्ट में 11th तक दोनों साथ आता था और बहुत बड़ा फायदा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर को टॉपिक वाइज टेस्ट लेने के लिए ऐसे मतलब बार बार ना कहें, उनको जब उचित लगेगा तो वो खुद ले लेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, ऐसे आप पूरे टेस्ट को देने के आदत डालें, क्योंकि लास्ट में 99 चैप्टर्स कंपाइल होंगे तो फिर आपको रिवाइज करने में दिक्कत हो सक्ती है। ऐसे ही हम लोगों का सफर बढ़ता रहा। फिर क्लास 12th में मैंने 86% लिए, इसका श्रेय भी बायोमेट्रिक्स को ही जाता है, इतने अच्छे परसेंटेज आए मेरे, और ये साइंस की वजह से ही हो पाया। फिर मतलब फिर जैसे 12th का मेरा एग्जाम भी होता है, उसके बाद फिर घर पर कुछ चैलेंजेस आ लगे, फिर भी उनको फेस करने के बाद फिर मेरा फाइनली नीट का एग्जाम आ गया। नीट के एग्जाम तक भी सर ने हम लोगों को मोटिवेट करना जारी रखा। फिर नीट का एग्जाम ही मेरा बहुत अच्छा गया और मैं 646 नंबर ला पाया 720 में से 646, और मैं अपने गांव के पहले डॉक्टर्स में से हूँ। इसका श्रेय मतलब बायोमेट्रिक्स को ही जाता है और मेरा पूरा परिवार इतना खुश है, मेरे पापा किसान हैं, मेरी मम्मी गृहिणी हैं, मेरा पूरा परिवार इतना खुश है, मेरे पापा को लोग इतना सम्मान देते हैं, और मेरा गांव भी बहुत गौरवान्वित है मुझे लेकर के। और इसका मैं पूरा श्रेय अपने जितेंद्र सर और बायोमेट्रिक्स क्लासेस टीम को ही देना चाहूँगा अपने माता पिता के साथ। धन्यवाद।